की गई है। आप तीनों जो हमारे संवाददाता हैं वो नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा उनका। प्रधानमंत्री के आज पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद भूटान के पीएम शेरिंग टोबगे ने उनका स्वागत किया। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। ऐसे में पड़ोस प्रथम की जो नीति है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो तमाम भारत के करीबी देश हैं उनके साथ और ज़्यादा जो रिश्ते हैं उनको और प्रगाढ़ बनाने का ये अवसर है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचे तो उनका भव्य तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग यहाँ पर पहले से मौजूद, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो उनका यहाँ पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भूटान के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। आपसी जो संबंध है उनको और ज़्यादा प्रगाढ़ और मजबूत बनाने के लिए, आने वाले भविष्य के लिए तमाम दिशा और दशा यहाँ से तय होती हुई नजर आएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ ही जब वो यहाँ पर पहुंचे उससे जुड़ी हुई तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से भव्य स्वागत उनका यहाँ पर किया गया। भूटान का ये 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जो पड़ोस प्रथम की जो नीति है उसके अंतर्गत तमाम ऐसी जो इबारत है वो यहाँ लिखने का जो प्रयास है वो यहाँ पर नजर आएगा। और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच, भारत और भूटान के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। तो 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तमाम महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं जिन पर यहाँ पर बातचीत होगी। और साफ तौर पर यहाँ पर जो बातचीत है वो किस तरह से वैश्विक पटल पर इन दोनों देशों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में कारगर साबित होंगी, इस पर तमाम विचार विमर्श यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। कई मायनों में ये दौरा बेहद खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साफ तौर पर जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य स्वागत उनका किया गया, और उसके बाद तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आगे दोनों देश बढ़ते हुए नजर आएंगे। द्विपक्षीय वार्ता होगी और साथ ही साथ तमाम क्षेत्रों पर और ज़्यादा फोकस किया जाएगा, किस तरह से निवेश की दृष्टि से और ज़्यादा दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही भारत लगातार जो प्रथम पड़ोसी प्रथम की जो नीति अपनाता रहा है उसके अंतर्गत
जब हम भूटान की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो फोकस है वो रखा गया है और तमाम क्षेत्रों में और ज़्यादा कैसे मजबूती आए और ज़्यादा कैसे इसमें डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि विकास की नई इबारत देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में बेहद खास हो जाता है। आने वाले समय के लिए तमाम क्षेत्रों में और विकास गति से जो दिशा है और दशा है वो बदलती हुई यहाँ से नजर आएगी। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री के पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचने के बाद भूटान के